मैं शिखा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं के भारत न्यूज। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल बुलेटिन के। रेलवे ट्रैक के किनारे पड़ा मिला युवक का शव, देखिए कन्नौज से ज्ञानेंद्र दुबे की खास रिपोर्ट। ट्रेन की चपेट में आने से मौत की आशंका, छिबरामऊ में मामा के घर रहता था युवक। इंदरगढ़ के सपाहा गांव का रहने वाला था युवक, सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शुरू की जांच। गुरसहायगंज के जलालाबाद पेट्रोल पंप रेलवे ट्रैक के पास मिला शव। क्या नाम है? राजवीर। कहाँ के निवासी? बजेरी। क्या शिकायत है? हमारा बच्चा गुम हो गया। क्या नाम था बच्चे का? आशीष उर्फ भानु। कहाँ से गायब है? ये हमारे गांव के नजदीक नदी का पुल है, वहाँ से तक देखा गया, वहाँ से कोई पता नहीं। किसी के ऊपर कोई शक? ऐसे तो कोई शक नहीं, देखा नहीं क्या शक। नाली की सफाई को लेकर दो पक्षों में चले लाठी डंडे, देखिए अलीगढ़ से ये खास रिपोर्ट। थाना टप्पल क्षेत्र के गांव उटवारा में शनिवार की दोपहर उस समय अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया जब नाली के विवाद को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए और देखते ही देखते लाठी डंडे चलने लगे। इतना ही नहीं, इसके बाद दोनों पक्षों की ओर से जमकर ईंट पत्थर चलने लगे जिसमें करीब एक दर्जन लोग महिला पुरुष घायल हो गए। चीख पुकार की आवाज़ सुनकर आसपास के स्थानीय लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे और पुलिस की सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने झगड़ा कर रहे लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत किया और दोनों पक्ष के घायलों को सीएचसी पहुंचाया जहां उनका उपचार जारी है। मैं आपका सर अमित कुमार है। कहां के रहने वाले आप? उटवारे के सर। क्या हुआ था, पूरा प्रकरण बताइए। ये हुआ था सर, ऐसे हुआ कि जो नाली है ना, तो बरसात से उस नाली में कीचड़ भर रही थी, तो मैं उसको हावड़े से लेकर रहा था अपनी साइड से, लैंडर पर रख रहा मैं साइड में लैंडर रखने के बाद वो बोले कि भाई ऐसे कैसे वो लेकर रहा है। मैं बोला अपनी तुम लेकर लो, मैं तो इधर लेकर रहा हूँ, बारिश पड़ेगी तो ये बह जाएगी क्योंकि पानी रोड पर आता है। इतनी देर में तो वो तीन चार लड़के थे उनके आके पहले रोड मारी यहाँ बस चांद पे सिर पे, फिर ये इधर में दो यहाँ पे थी, ये कोठा पे मारी और ये पैरों पे मारी, फिर ये छोटा भाई ये आ गया ऊपर से कूद के, फिर मैं तो गिरे पैर नीचे, फिर इसको गिर लिया नीचे। कितने लोग थे? वो लोग थे 4, 2, 6 टोटल थे 10 लोग, लेडी समेत 8-10 लड़के वो थे, सब लोग मर्द और 6-7 लेडीज थी, लड़की भी। क्या नाम है मैम आपका? कहाँ की रहने वाली आप? क्या हुआ था, पूरा मामला बताइए। नाले सफा कर रहा, छोरा अकेला घेर लिया तो जैसे हम सुन के भगे गए तो सब मारते गए वो। कितने लोग घायल हैं आप लोग? सबरे घायल हैं। कितने हैं लगभग? 7 है। जमीनी विवाद के मामलों को हल्के में लेती है थाना अध्यक्षता, देखिए कन्नौज से ज्ञानेंद्र दुबे की खास रिपोर्ट। ठटिया थाना अध्यक्ष से नहीं संभल रहा थाना, जमीनी विवाद के मामलों को हल्के में लेती है थाना अध्यक्षता। रास्ते में अवैध निर्माण में दो पक्षों में जमकर हुई मारपीट और चले लाठी डंडे, हुआ पथराव। पीड़ितों ने ठटिया पुलिस पर लगाया आरोप, कोर्ट के आदेश बावजूद हो रहा था अवैध निर्माण। पीट पथराव का वीडियो हुआ वायरल, एसपी को फोन करने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। ठटिया थाना इंचार्ज ने नहीं उठाया फोन। वहाँ पर मेरी मशीन गई हुई थी। हाँ, हाँ। मशीन गई हुई थी, मेरी लेबर गई हुई थी। हाँ, हाँ। तो इनका कोई विवाद वहाँ पर आपस में होगा। हुँ। तो आपस में मेरी मशीन का कोई तो दोस्त नहीं था। बिल्कुल। इन्होंने हाँ। दोनों पक्षों में इनकी फायरिंग होने लगी, ईंटें डंडा पत्थर चलने लगे। हाँ, हाँ। वहाँ पर लेबर मेरी 5-6 लेबर मेरी घायल हो गई, अपनी जान बचाकर भागी लेबर। तो मैंने फिर क्या नाम है, लेबर ने मुझे फोन किया, मैंने इस पटर को फोन किया, मैंने इस पटर को फोन किया तो उन्होंने कहा है कि खालीपुरा कहाँ पर पड़ता है। मैंने पूरी लोकेशन दी, लोकेशन देके कम से कम आधा घंटा हो गया, वहाँ कोई पुलिस नहीं पहुँची। फिर इसके बाद में जब मैंने पुलिस नहीं पहुँची, फिर मैंने दोबारा फोन इनको लगाया, इन्होंने मेरा फोन रिसीव नहीं किया। फिर मैंने कप्तान साहब को फोन लगाया, जब कप्तान साहब को फोन लगाया तो कप्तान साहब ने पुलिस को भेजा, फिर वहाँ पर जाके मामला को शांत किया गया। गर्भवती महिला की पिटाई का वीडियो वायरल, देखिए कन्नौज से ज्ञानेंद्र दुबे की खास रिपोर्ट। करीब 7 माह की गर्भवती महिला की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। रिक्शा खड़ा करने के विवाद में दबंग महिलाओं और पुरुषों ने गर्भवती महिला और उसके पति की बेरहमी से पिटाई की। लाठी डंडों और थप्पड़ों से दबंगों ने गर्भवती महिला को पीटा। पीड़ितों ने अपने पड़ोसियों पर लगाया आरोप। हैरान करने वाली बात यह रही कि सूचना पर पहुंची पुलिस ने उल्टा पीड़ित को ही थाने में किया बंद। छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के खुबरियापुर गाँव की घटना। हमें कहां दे सर, हम चाहते हैं सर ये वीडियो ऑल इंडिया में जाए, इन पर हम कहां सर, हमें बहुत बुरा लग रहा, हमारे दिल पर इतनी बड़ी ठेस बैठी ना, भगवान जानता। देखो
झगड़ा किस बीच हुआ था? ये आए रिस्का दो भरी लेके, इसकी रिस्का खराब है, भरवाने लगे। मैं जब भी आता हूँ भरवाने लगा, जिसे हम लेकर आ गए, ये तो गाली गलौज करे हमने, चलो अपने काम देखो, अपने घर देखो, तुम टेंशन वेंशन मत लिया करो, सब कुछ सही। हम मैं पेट भर नहीं पाती हूँ, रिस्का किराए में किराया देखा है, अब रुपया भी नहीं बाकी, रिस्का भी खराब हो गया, अब क्या करूँ, ऐसा कहना। मैं चलो अपने ऐसा ही अपने अपने भरभरा रहे, ये लोग अपने ऊपर ले लिए, और तो नाके चिपट गए इनसे मारने के लिए, देखो सर पूरा सारे देख लो नोचे सर, नंबर एक मेरा नोट अभी तो भरो, ये देखो दोनों नाखून टूटे हुए। कितने बच्चे हैं आपके? तीन हैं और चौथा पेट में है, सकमी बहन में चल रही है। आप इनसे बचाने गए सर, हमें भी मारने लग गए, देखो मेरा आँख में चोट है, पूरे सर में चोट है, पूरा उंगली में चोट है, देख लो। आप प्रेग्नेंट है क्या? हाँ, और एक दिन कहा तुम्हारे सब कुछ कर दूंगा, लेकिन तुम लोग कुछ नहीं कर सकोगे, इसकी औरत रंगज की औरत कहेगी। क्या नाम है, कौन कौन लोग हैं? रंगज है, उनकी उनकी बहू का नाम लता। सब कुछ कर दूंगा, तुम कुछ नहीं कर सकोगे, ऐसी बात कही सर मेरे जान में। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए।